गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग टर्बिडिटी मीटर से सल्फेट कैसे निकालते हैं। एक्चुअली सल्फेट का कंसंट्रेशन आप टर्बिडिटी मीटर से भी निकाल सकते हैं और आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी निकाल सकते हैं, बट टर्बिडिटी मेथड जो है ज़्यादा परफेक्ट होता है सल्फेट निकालने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जी सल्फेट से टर्बिडिटी मीटर से यदि आप सल्फेट कर रहे हैं तो यदि जो आपका सैंपल का कंसंट्रेशन 40 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होता है तो आप प्रयास कीजिए कि आप सैंपल को डाइल्यूट कर लीजिए, क्योंकि यदि वो सैंपल को डाइल्यूट नहीं करेंगे तो जैसे ही हम सैंपल में बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और बेरियम सल्फेट की जो स्टेबिलिटी होती है, जो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, 40 मिलीग्राम पर लीटर से यदि जो ज़्यादा रहेगा, मतलब 40 ppm से ज़्यादा रहेगा, तो बेरियम सल्फेट जो क्रिस्टल फॉर्म में है उसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाती है और हमारे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कम होती चली जाती है। तो इसलिए मेरा एक यहाँ सजेशन रहेगा कि आपको जब भी सैंपल्स 40 ppm से ज़्यादा रहे तो आप सैंपल को डाइल्यूट कर लीजिए। आइए हम देखेंगे कि इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं और सैंपल की एनालिसिस कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा न्यूमैन एंड मिलर का इंस्ट्रूमेंट्स है और जिसका मॉडल नंबर है NM610। ये टर्बिडिटी मीटर है हमारा, और मैंने इसके आगे इसका ऑपरेशंस मैनुअल लगा के रखा है ताकि आप भी प्रयास कीजिए कि इसका ऑपरेशंस मैनुअल वर्क इंस्ट्रक्शंस लगा के रखिए ताकि आपको वर्क करने में के दौरान किसी भी ढंग का कोई कन्फ्यूज़न आए तो आप इसको देख के क्लियर कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम कैलिब्रेशंस करते हैं। तो कैलिब्रेशंस करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने दो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस लिए हैं, एक हमारा जीरो लिया है और दूसरा जो लिया है 20 ppm। जीरो जो देंगे वो जब इंस्ट्रूमेंट लोअर रेंज मांगेगा तो जीरो देंगे और जब हायर रेंज मांगेगा तो 20 देंगे। तो ये आप अपने अनुसार में चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि आपका सैंपल का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है। आप मैं 0 और 20 दे रहा हूँ तो आप 0 और 200 भी दे रहे हैं यदि जो आपका सैंपल का कंसंट्रेशन ज़्यादा आता है। तो आइए प्रिपरेशन कैसे करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मेरा 0 है, तो 0 में मैं यहाँ पर सॉल्यूशंस ए लिखा हुआ है। सॉल्यूशंस ए इसमें बफर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन ए बफर सॉल्यूशंस में यहाँ पर इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, सोडियम एसीटेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है और एसिटिक एसिड होता है। ये चार इसमें मिला के हम सोडियम ए बनाते हैं, तो ये बफर सॉल्यूशंस ए बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका 20 ml लूँगा, तो मैंने यहाँ पर 10 ml सेट करके रखा है। ये सैरी पेटर है हमारा, ये इससे मैंने 10 ml सेट करके रखा है, तो मुझे दो बार इसे प्रेस करना होगा। तो फर्स्ट ये 10 ml आ गया जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और देन वन एक बार और जैसे ही करेंगे तो ये 20 ml आ गया। तो यदि जो आपके पास सैरी पेटर नहीं है तो आप पिपेट से भी 20 ml ले सकते हैं। इसी ढंग से इसमें भी मैं क्या करूँगा, 20 ml डाल दूँगा जो हमारा 20 ppm का है। एक बार प्रेस किया, देन सेकेंड प्रेस किया, इसमें भी 20 ml आ गया। हाँ, तो हम लोगों ने इसमें 20 ml बफर सॉल्यूशंस जीरो में भी डाल दिया और 20 ppm में भी डाल दिया। अब आइए वन स्पून अप्रॉक्स वन ग्राम अब मैं इसमें बेरियम क्लोराइड मैं 1 ग्राम डाल के इसे स्टीरिंग करूँगा। स्टीरिंग आप बाय हैंड भी स्टीरिंग कर सकते हैं, और यदि जो आपके पास स्टीरर है तो आप स्टीरिंग इसे स्टीरर पर रख के स्टीरिंग भी कर सकते हैं। तो स्टीरिंग करना है आपको 1 मिनट प्लस माइनस 0.2 सेकेंड तक। तो आप यहाँ पर 1 मिनट प्लस माइनस 2 सेकेंड तक वेल स्टीरिंग कर लीजिए। तो जैसा कि दिख रहा होगा, ये मेरा एक्चुअली मैग्नेटिक स्टीरर है, और आपके पास मैग्नेटिक स्टीरिंग नहीं है तो बाय हैंड भी आप 1 मिनट वॉच देख के, आप 1 मिनट घड़ी देखिए और घड़ी देख के आप 1 मिनट तक इसको रोटेट प्लस माइनस 2 सेकंड तक रोटेट कीजिए, और रोटेट करने के बाद आप इसको एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अब मैं यहाँ पर देखो, जैसे मेरा 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट होने के बाद मैं यहाँ से सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ये है एरो मार्क होता है, ये हमारा जो क्यूबेट है, क्यूबेट में एक एरो मार्क है। तो प्रयास कीजिए कि ये एरो मार्क तक को सैंपल लेना है मुझे।
तो मैं यहाँ पर एरो मार्क तक ये सैंपल ले लिया, या टू थर्ड सैंपल भी ले सकते हैं आप। और अब मैं इसे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसे मैं डालते समय एक सावधानी ये बरतनी है कि यहाँ भी एक एरो मार्क दिख रहा होगा आपको। ये एरो मार्क और ये एरो मार्क, जो क्यूबेट का एरो मार्क है, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में डालना है ताकि आपका एब्जॉर्प्शन जो है परफेक्ट हो पाए। अब मैं यहाँ पर ये डाल दूंगा और इसे बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद यहाँ पर 6 बटन है, तो मुझे कैलिब्रेशन करनी है। तो कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैं प्रोग्राम का बटन दबाऊंगा। तो प्रोग्राम का बटन दबाने के बाद ये कैलिब्रेट, यहाँ जो ऑप्शंस आ जाएगा, कैलिब्रेट मेमोरी आ जाएगा। तो मैं कैलिब्रेट करने के लिए इंटर, यहाँ पर इंटर बटन है, इंटर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इंटर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक कैल दिखाई देगा और यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड एंड टर्बिडिटी। तो मुझे इसे इंक्रीज और डिक्रीज बटन के सहारे टर्बिडिटी में ले आना है क्रसर को। नीचे आपको एक क्रसर दिख रहा होगा, जैसे देखिए, फिर मैं यहाँ करता हूँ, ये नीचे एक दिख रहा है आपको, लो देन, हाँ, जैसे ही ये किया ये टर्बिडिटी में आ गया। टर्बिडिटी में आने के बाद मैं यहाँ पर इसे इंटर क्लिक कर दूंगा। तो इंटर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रूमेंट दो रेंज मांगता है, 0 to 200, 0 to 1100। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो भी सैंपल एनालिसिस करनी है, उस सैंपल का सबसे पहले आप रेंज एसेस कर लीजिए। यदि जो सैंपल हाई रेंज का है तो आप यहाँ से जीरो, लोअर में जीरो ले लीजिए और हायर में 1000 ले सकते हैं। सैंपल मिड रेंज का है तो जीरो लोअर ले लीजिए, 200 हायर ले लीजिए। सैंपल और भी कम यदि जो आपका है तो आप लोअर को जीरो ले सकते हैं, हायर 20 ले सकते हैं। ये आपके अपने अनुसार में है, आप उसके अनुसार में कैलकुलेट करके सैंपल का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए, मैं यहाँ पर 0 to 200 ले रहा हूँ। तो 0 to 200 वाला ऑप्शन चूज करने के बाद मैं यहाँ पर इंटर क्लिक किया। जैसे ही इंटर क्लिक किया तो यहाँ पर कैलिब्रेशंस आ गया लो एंड हाई। तो सबसे पहले मैं लो वाला, लो का मतलब है मैंने यहाँ पर एक डिस्टिल वाटर प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस बफर सॉल्यूशन, ये तीनों डाल के मैंने एक जीरो बना के रखा है। तो यहाँ जैसे ही लो आ रहा है, लो पे मैं इंटर क्लिक करूँगा, इंटर क्लिक करूंगा तो इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक उसका रीडिंग बताने लगेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इंस्ट्रूमेंट जो है 0.0 ऑलरेडी दिखा रहा है। तो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो एक्सेप्ट करने के लिए मुझे इंटर दबाना है। तो इंटर दबाने के लिए मैं यहाँ जैसे इंटर क्लिक करूंगा तो ये लो रेंज हो गया। नेक्स्ट मैं इसे इंक्रीज करनी है और हाई रेंज में आना है। हाई रेंज जैसे ही आएगा तो हाई रेंज के लिए सबसे पहले आइए मैं सैंपल प्रिपरेशन कर लूँगा। सैंपल प्रिपरेशन मैंने इसमें बफर सॉल्यूशन ऑलरेडी ए डाल दिया है, 1 ml। हाँ, तो यहाँ जैसे जो हमारा 20 ppm जो हायर रेंज दे रहे थे, हायर रेंज देने के बाद मैं इसमें 1 g बेरियम क्लोराइड डाल दिया और बफर सॉल्यूशन मैंने 20 ml पहले ही डाल के रखा था। डालने के बाद इसे 1 मिनट तक स्टीयरिंग करूँगा। तो स्टीयरिंग के लिए, जैसा कि मैं बताया आपको कि आप बाय हैंड स्टीयरिंग भी कर सकते हैं, स्टीयरिंग आपकी 1 मिनट प्लस माइनस 0.2 सेकेंड होनी चाहिए। तो आइए, हमारे पास मैग्नेटिक स्टीयरर अवेलेबल है तो मैं इसे मैग्नेटिक स्टीयरिंग में डाल देता हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी स्टीयरिंग हो रहा है। तो जब आपको लगे 1 मिनट प्लस माइनस 0.2 सेकेंड में जब अच्छे से स्टीयरिंग हो जाए, तो शायद अभी 1 मिनट होने वाला है। तो अब मैं देख सकता हूँ कि मेरा 1 मिनट हो गया है। तो अब मैं 1 मिनट होने के बाद इसे स्टीयरिंग से निकालूंगा। स्टीयरिंग से निकालने के बाद ये क्यूबेट निकाल के मैं दूसरा क्यूबेट लूँगा। दूसरा क्यूबेट लेने के बाद फिर इसमें सैंपल जो है 2/3 सैंपल डाल लूँगा। डालने के बाद टिश्यू पेपर से इसे अच्छे से ये कर लूँगा ताकि आपके हैंड्स के कोई भी मार्क इसमें नहीं रह जाए। वो डालने के बाद मैं इसे फिर ये दोनों जो लाइन मैंने जैसे पहले बताया था, ये दोनों मिला के फिर इसमें एक क्यूबिट जो है इंस्ट्रूमेंट में डाला, इसे बंद किया। और बंद करने के बाद देख रहे होंगे कि यहाँ जो क्रशर है वो हाई पे है। हाई करने के बाद मैं इंटर कर दूँगा।
इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक रीडिंग आता रहेगा। यहाँ रीडिंग आने के बाद मुझे 5 मिनट प्लस माइनस 0.5 सेकेंड आपको ये रीडिंग स्टेबल होने देना है। ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रीडिंग पे इसका काफ़ी इफेक्ट होता है। जब भी आप डालिए तो इसमें यहाँ पर 5 मिनट प्लस माइनस 0.5 सेकेंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ जो रीडिंग आ रही है, आप रीडिंग जितना भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसमें डाले हैं वो रीडिंग मैनुअली सेट कर लेना है। तो आइए हम लोग ये मैनुअली रीडिंग सेट कर लेते हैं। तो मैंने अभी 20 ppm का डाला है और ये 28.4 दिखा रहा है, तो मैं इसे डिक्रीज करूँगा पहले। तो देख रहे होंगे आपको यहाँ डिक्रीज हो रहा है ये। तो इसे मैं सबसे पहले 20 पे सेट कर लूँगा, आपको दिख रहा होगा 20। मैंने 20 पे सेट किया, 20 पे जैसे ही सेट करूँगा इसके बाद मैं यहाँ पर इंटर क्लिक कर दूँगा। ये इंटर क्लिक करने के बाद ये मेरा कैलिब्रेशन पोर्शन ओवर हो जाता है। फिर मैं यहाँ से इंस्ट्रूमेंट से एस्केप करूँगा और एस्केप करने के बाद जो मेरा सैंपल्स है सैंपल मैं एनालाइज करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ एस्केप कर लेता हूँ, एस्केप कर लिया। एस्केप करने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट वेट दिखाता है। वेट करने के बाद जैसा देखिए मेरा यहाँ पर सैंपल्स है, यहाँ मैंने सैंपल्स एक लिया हुआ है। तो यहाँ एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली सैंपल्स यदि जो आपके सैंपल में सल्फेट का कंसंट्रेशन 10 मिलीग्राम पर लीटर मतलब 10 ppm यदि जो से ज़्यादा है, 10 ppm से ज़्यादा है तो डायरेक्ट आप बफर सॉल्यूशन ए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि जो सॉल्यूशन आपका 10 ppm से कम है, यदि जो ध्यान दीजिएगा इस बात को मेरा, यदि जो आपके सैंपल में सल्फेट का कंसंट्रेशन 10 ppm से कम है तो वहाँ पर मुझे बफर सॉल्यूशन बी यूज़ करना पड़ता है। बफर सॉल्यूशन बी यूज़ करना पड़ता है और बफर सॉल्यूशन बी में जो रहता है वो ऑलरेडी बफर सॉल्यूशन ए रहता है, प्लस इसमें मैं सोडियम सल्फेट अलग से डाल के रखता हूँ। बफर सॉल्यूशंस बी बनाने के लिए ए का जितना कॉम्पोजिशन है जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, पोटासियम क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड, ये तीनों तो ये चारों रहेगा, प्लस इसमें मैं बेरियम सोडियम सल्फेट भी डाल के रखूँगा। और ये सोडियम सल्फेट डालूंगा इसमें और इसके साथ में एक ब्लैंक भी रखूँगा, फिर अगेन ये बफर सॉल्यूशंस ब्लैंक में डालूंगा और इसका भी रीडिंग लूंगा। जो हमारा ये जीरो है जीरो का भी रीडिंग लूंगा और हमारा सैंपल का भी रीडिंग लूंगा। इसमें जो सल्फेट आएगा इसकी सल्फेट और इसमें जो सल्फेट आएगा जो आपके सैंपल में सल्फेट आएगा, सैंपल के सल्फेट से जीरो का जो रीडिंग सल्फेट का आएगा उसको माइनस कर देंगे, वो हमारा फाइनल रीडिंग होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये हमारा बफर सॉल्यूशंस बी है। बी में एक तो ए का सारा कंपोजिशन है लेकिन कंसंट्रेशन सल्फेट का कम होने के कारण हम इसमें सोडियम सल्फेट और मिक्स किए हुए हैं। तो सोडियम सल्फेट मिक्स करने के बाद मैंने बफर सॉल्यूशंस बी बना लिया। बी को फिर मैं क्या करूँगा, अपने सैंपल्स में 20 ml डालूंगा, 20 ml डालूंगा और 20 ml मैं अपने इसमें ब्लैंक में डालूंगा। ब्लैंक में डालने के बाद दोनों में बेरियम क्लोराइड डालूंगा, फिर ये जीरो का भी रीडिंग लूंगा और सैंपल का भी रीडिंग लूंगा। जो जीरो में सल्फेट आएगा वो मैं अपने सैंपल के रीडिंग से माइनस कर दूंगा, वो हमारा फाइनल रीडिंग होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो मैंने आप जैसा देख रहे होंगे कि अब मैं यहाँ पर सैंपल ले लिया हूँ, तो जो मेरा सैंपल जिसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इसका सल्फेट जो है ये 10 मिलीग्राम पर लीटर मतलब 10 ppm से कम आएगा ऐसा अनुमान है, इसलिए मैंने यहाँ पर बफर सॉल्यूशन बी का यूज़ किया है और मैंने बफर सॉल्यूशन बी 20 ml इसमें डाल दिया है। और उसके बाद मैं 1 ग्राम के लगभग या 1 स्पून बेरियम क्लोराइड डालने के बाद इसे मैं 1 मिनट तक स्टीरिंग भी कर दिया हूँ। 1 मिनट तक स्टीरिंग करने के बाद मैं इसे
अब आइए एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले यदि जो सैंपल से आप एक बार ये क्यूबेट इस सैंपल से भी यदि जो वाश कर देते हैं तो आपकी थोड़ी एक्यूरेसी बनी रहेगी। तो मैंने यहाँ पर अभी ये क्यूबेट वाश किया है, और क्यूबेट प्रयास कीजिए हैंड ऊपर ही पकड़ने का, नीचे नहीं तो हाथ के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी सैंपल्स ले लिया। सैंपल्स लेने के बाद मैं फिर वन सेकेंड जो भी स्पॉट्स वगैरह आ गए होंगे इसे टिश्यू पेपर से, सॉफ्ट टिश्यू पेपर से इसे साफ कर लिया। साफ करने के बाद मैं ऊपर की तरफ ही पकड़ते हुए इसे इस क्यूबेट को मैचिंग करके इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डालने के बाद आइए अब हम रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के लिए मुझे यहाँ पर इंटर क्लिक करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं इंटर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फिर दो ऑप्शंस मांगेगा, सेंटीग्रेड और टर्बिडिटी। तो मैं इंक्रीज बटन जाके टर्बिडिटी पे फिर क्रसर लाऊंगा और इंटर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इंटर क्लिक करूंगा तो यहाँ टेम्परेचर लिखा जाएगा, मैनुअल लिखा जाएगा, और आपकी जो टर्बिडिटी आ गई, टर्बिडिटी इंस्ट्रूमेंट जो आ गई 15.3 आ गई यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मुझे ये 5 मिनट तक रुकना है, प्लस माइनस 0.5 सेकेंड। अभी देखिए 5 मिनट्स हो गया है। तो जैसे ही मैं सैंपल का इसमें सैंपल क्यूबेट होल्डर में डाला हुआ है, और आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पर हमारी रीडिंग अभी 15.1 आ गई है। अब मैं इसे क्यूबेट होल्डर से इस क्यूबेट को निकालूंगा। निकालने के बाद मैंने फिर जो ब्लैंक सॉल्यूशन लिया है, ब्लैंक सॉल्यूशन में मैंने 20 ml बफर सॉल्यूशन भी डाल दिया है, और 1 मिलीग्राम मतलब 1 स्पून बेरियम क्लोराइड भी डाल के 1 मिनट तक मैंने इसे स्टीरिंग कर दिया है। आफ्टर स्टीरिंग मैं फिर क्यूबेट लूँगा। जैसा कि मैंने पहले देखा था, हम लोगों ने देखा था, क्यूबेट में फिर ये सैंपल इसका 2/3 पोर्शन फिलअप कर लूँगा। फिलअप करने के बाद टिश्यू पेपर से नीचे थोड़ा साफ कर लूँगा, और अगेन इसे क्यूबेट होल्डर में डाल दूंगा। क्यूबेट होल्डर में डालने के बाद इसे क्लोज करूंगा, और अगेन यहां पर मैं 5 मिनट तक वेट करूंगा। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया, 5 मिनट तक वेट किया। 5 मिनट करने के बाद आइए अब मैं यहां पर जो हम लोगों ने जीरो बनाया था, जीरो का रीडिंग यहां पर देख, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 10.6। तो मैं इस रीडिंग को नोट कर लिया 10.6, और जैसा कि मेरा सैंपल्स का जो रीडिंग आया था वो 15.1 आया था, और जीरो की जो रीडिंग आई 10.6 आई। तो आइए मैं इसे कैलकुलेशन करता हूँ। तो देखिए जैसे ही सबसे पहले मैंने सैंपल का रीडिंग 15.1 लिख लिया, इससे माइनस 10.6 क्लिक करने के बाद 4.5, जैसा कि आपको कैलकुलेटर में दिख रहा होगा यहाँ पर 4.5 आ गया। तो 4.5 जो हमारी रीडिंग आई वो हमारी सैंपल की रीडिंग है ppm में, 4.5 ppm, या इसे बोल सकते हैं 4.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने कि हम लोग सल्फेट कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, और इसमें बफर सॉल्यूशंस ए का यूज कैसे करते हैं, बफर सॉल्यूशंस बी का यूज कैसे करते हैं, और एनालिसिस कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि जो कुछ कमी रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब भी आपको दे दूंगा। और आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा लैब से संबंधित। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।